हे गाइस, मोस्ट वेलकम टू MDMH ब्लॉग। तो भाई लोग, आज हम लोग जाने वाले घूमने के लिए एक जगह पे जिसका नाम है बाबू कोटी, और बहुत अच्छी जगह है। और वो है गांधी जी के रहने की जगह है, जहाँ पे पहले गांधी जी रहते थे वो जगह है, और काफ़ी अच्छा भी है। तो चलो जाके देखते हैं क्या मज़ा होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने दोस्त को लेने के लिए, जो है कि उमर मेरा दोस्त है, उसको लेने को जाएंगे। फिर जाएंगे, फन मस्ती करेंगे, मज़ा करेंगे। तो चलो जाते हैं उसके घर पे, फटाफट उसको उठाते, फिर लेकर जाते हैं सेवाग्राम। तो चलो, तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्त के घर के पास। तो आप लोग देख सकते हो गली का नाम क्या है, पठान गली। और चलते हैं उसके पास में और जाके देखते हैं आया है कि नहीं। जो दोस्त का घर है वो ये होने वाला है, तो मैं आवाज़ देता हूँ उसको। उमर अभी आएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे सेवाग्राम। और फुल हम लोगों के साथ में और भी बहुत सारे बंदे हैं। तो चिड़िया की बहुत आवाज़ आ रही है, हमारी उमर भाई ने बहुत सारी चिड़िया पाल के रखी है। हाँ, हेलो गाइस, सलाम अलैकुम उमर भाई। वालेकुम सलाम। हाँ, चिड़िया दिखा दो। तो हमारी उमर भाई ने बहुत सारी चिड़िया पाल के रखा है इनके घर में। और ये देखो गाइस, बहुत सारी चिड़िया इनके पास। अगलो आप लोग खरीदी करना चाहते हो तो खरीदी कर लेना इनसे। तो अभी तो हम लोग एक जन से मिले, और उसके बाद अभी और जाने का है, दो तीन बंदों को लेने का है, उसके बाद हम लोगों को जाने का है। तो ये डायरेक्ट हमको सेवा इधर में रोड पे मिलेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि इनकी अलग गाड़ी है और मेरी अलग गाड़ी है। तो ये डायरेक्ट वहाँ से लेकर आएंगे गाड़ी, फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलो उनको भी ले लेते, उसके बाद चलते सेवा कर। तो भाई लोग, जो दो बंदे मिलने वाले थे वो ये दोनों है, और हम लोग जाएंगे वहाँ पे और जाके देखेंगे। उससे पहले तो पेट्रोल भराना पड़ेगा, उससे पहले ये ग्लास है तो सेफ्टी के लिए रखना पड़ता। और ये है हमारा वर्धा की रोड, काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो भाई लोग, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। ये हम ये हमारी कार है, ये पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है यहाँ पे। और ये जो होने वाला है ये पूरा बाबू कोटी का है, उधर में पता नहीं क्या करते, मेरे को भी नहीं मालूम है। और ये गांधी जी का रोड है, गांधी जी का नहीं, सेवाग्राम का रोड है। और हमारे दोस्त लोग भी आएंगे यहाँ पे, और पैसा वैसा नहीं लगता यार आप लोगों को सेवाग्राम घूमने में, पैसा वैसा नहीं लगेगा आपको, फुकट में आओ। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सेवाग्राम आश्रम, ऐसा कुछ आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, बोर्ड वोड है। तो भाई लोग देख लो, ये बहुत ही पुराने जमाने का ये क्या है, गिटार है, मौसीकी है ये गिटार, जो जिसको बोलते हैं वो है। और हाँ यार यार, ये तो बता नहीं रहेगा, ये देखो बहुत सारे लैंटेन भी है यहाँ पे आप लोग। और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है यार अंदर में, तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा बरोबर। और वीडियो बनाना तो मना है, और कैमरे भी लगे हैं यार। तो ये देख लो भाई लोग, जो भी गांधी जी चीज़ें इस्तेमाल करते थे, वो कंबल उम्बल है, चादर है, शॉल है, और ये उनका क्या बोलते हैं इसको, जैकेट है, और बहुत सारी चीज़ें यार। अच्छा है, आप लोग आग के देख सकते हो यहाँ, चरखा है, चरखा लिखा है यार वहाँ पे। तो चलो और दूसरे इसमें जाके देखते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो एक चटाई है, पहले ज़माने में ऐसी चटाई देखने के लिए मिलती थी यार, अभी तो फिलहाल में मिलता नहीं है ऐसा। तो ये सेकंड वाला होने वाला है ये वाला, और हम लोग जाएंगे अभी दोस्त लोग अंदर में। और यहाँ पे बहुत सारे सूचना उचना भी लिखी है, आप लोग आके अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। तो चलो हम लोग जल्दी फटाफट अंदर में, और अंदर में तो वीडियो बनाने नहीं दे रहे, फिर भी हम लोग तो बनाएंगे ही कैसे ना कैसे करके थोड़ा बहुत। ये वजन करने का है क्या रे? हाँ देखो गाइस, बहुत पुराना है ये वाला, वजन करने का चीज़ है ये, तराजू है वो। और अंदर में ऐसा तो कुछ, ये देखो पहले ज़माने में रूम कैसा रहता था, ये रूम है। और देखो यहाँ पे बहुत सारी किताबें उताबें रखी हुई है, जो गांधी जी पढ़ते वढ़ते थे वो।
ये अलमारी देख लो, बहुत पुरानी अलमारी है यार, लकड़ी की अलमारी है। यहाँ पे आप लोग देखोगे ना तो पूरा किताबी है यार। इधर में ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो पूरा किताब वाला है। इसमें पूरा यानी दो तीन अलमारी है, उसमें पूरा भर भर की किताबें है। और ये वाला भी किताब है, अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो बुक्स पढ़ने में तो यहाँ पे आओगे तो आप लोगों को तो पढ़ने देंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी ताला लगा हुआ है। देख रहे हो यहाँ पे बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है और एक अलार्म बज चुका हम लोगों का बाहर जाने का। तो नहीं ना रे, अभी घंटी बज गई है तो हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि शाम में 5 या 5:30 बजे तक ही अलाउड है। फिर भी देखते हैं हम लोग अंदर तो घूमेंगे थोड़ी देर और, उसके बाद क्या होता है। भाई लोग बहुत ज़्यादा अंधेरा है यार यहाँ पे तो, लेकिन फिर भी ये लाइट देखो, ये देखो लाइट जला जला के मेरे को दिखा रहे ये लोग। तो देख लो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो ये बहुत पुराना टाइपराइटर है, टाइपराइटर ही बोलते हैं ना रे, तो ये बहुत पुराना टाइपराइटर है आप लोग देख लो। और ये बापू इस्तेमाल करते थे, पहले प्रिंट मशीन नहीं होती थी, ऐसे में टाइप करके वो लोग ये करते थे। अभी तो जेरोक्स का ज़माना आ गया, ये आ गया, अपने मोबाइल से ही बहुत सारी स्क्रीनशॉट लेके हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पहले वैसा नहीं होता था। ये नहीं, ये सांप पकड़ने का चिमटा ही है। हाँ क्या, सांप पकड़ने का, ये देखो सांप पकड़ने का चिमटा है ये। मैं कई चीज़ सॉरी गलती समझ बैठा था मैं। पकड़ने का पिंजरा, और ये सांप डालने का पिंजरा भी है यहाँ पे, पिंजरा। और ये जो है वो टेलीफोन है बापू का। पहले तो आप लोग ने पिक्चर में देखा होगा बहुत सारा कि वो भागते भागते जाते थे, बीच में उनको टेलीफोन मिलता था, वो कॉल करते थे अपने दोस्तों से, गाड़ी मंगाते थे। तो यही वो टेलीफोन है, अंदर में टेलीफोन है, लेकिन कैसा बहुत ज़्यादा अंधेरा है ना तो दिख नहीं रहा है। लकड़ी की कैंची है वाली। तो चलो ये तो हो गया हमारा, दूसरे इसमें चलते, और अभी तो बहुत सारा बाकी है और टाइम भी हो रहा है हमारे भाई लोगों का। तो चलो देखो, और बहुत सारे लोग घूमने आते हैं यार, ये देखो बहुत सारे लोग, फुल्ली लोग आते हैं इधर में। लेकिन अंदर में कैमरे वेमेरे लगे हुए हैं, फिर भी हम लोग वीडियो बना लेते हैं, क्या है उसमें, वो देख रहे, वो अच्छी चीज़ बता बताने का है तो। और बहुत पहले राहुल गांधी भी आके गए यहाँ पे, तो देखते, और राहुल गांधी आते भी है वैसे भी, तो देखो वो झाड़ लगाए हैं राहुल गांधी। मेरा फ्रंट वाला कैमरा इसलिए उल्टा दिखाएंगा राहुल गांधी, आप लोग सीधा करके पढ़ लेना उसको, नहीं तो आप लोग भी उल्टा ही करके पढ़ेंगे। यह हफ्सी है, बहुत पुरानी हफ्सी है। और देखो इमली चाले भी कर रही है लोग। और कुछ नहीं यार, ऐसी खुली जगह है यार पूरी, देखो पूरा खुला जगह है पूरा, मतलब फैमिली के साथ में आओ, थोड़ी देर बैठो, यानी आप लोगों को टाइम पास नहीं हो रहा, इधर आके आराम से टाइम पास कर सकते हो। टाइम पास बोले तो सिर्फ 15 मिनट के लिए टाइम पास है, उसके बाद तो आपको हकल ही देंगे यहाँ से, है कि नहीं। तो भाई लोग आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना। और यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है, और 6:30 कितने बज रहे थे अभी, 5:30 के बाद आप लोगों को निकाल देंगे। देखो गार्ड भगा रहा सबको, ये देखो पूरा गार्ड भगा रहा उन लोगों को। तो आप लोग दिन में आओ, मस्त मौज मस्ती करो दिन में आके, और बाकी अच्छा है यार, फैमिली के साथ में आप लोग आ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, फैमिली के लिए तो अच्छा स्पोर्ट है ये वाला। और बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी आ सकते हो आप लोग, वैसा कुछ नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना आप लोगों को। अगर वीडियो पसंद पड़ता है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि हम लोग ऐसे आप लोगों को प्लेसेस पे दिखाने वाले हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी सबको बाय बाय।